दोस्तों 1947 से पहले के भारत की कई ऐसी दास्तां है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। आज का दिन ऐसी है कि ऐतिहासिक दर्दनाक घटना का दिन है। 13 अप्रैल साल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था, उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया था। ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल भी हो गए थे। लेकिन असली संख्या फिर भी छुपाई गई क्योंकि इससे ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को। और आपको क्या लगता है, क्या हमें भारतीय होने के नाते ऐसे दिवस को भूल जाना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो उन्हें स्टारडम मिला है उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं। हाँ, भले ही शाहरुख खान बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनकी माँ के अलावा किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि वो कभी एक्टर बनेंगे। और जब भी शाहरुख इस बात से निराश होते तो उनकी माँ उन्हें कहती कि बेटा, तू बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा लगता है और तू एक दिन मुंबई जाकर एक्टर जरूर बनेगा। माँ की ये बात सच भी हुई। शाहरुख खान मुंबई आए, एक्टर बने और बॉलीवुड पे छा गए। लेकिन शाहरुख की बदकिस्मती देखिए, ये देखने के लिए उनकी माँ जिंदा नहीं रही। शाहरुख उनकी माँ की इच्छा उनके जीते जी तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस दिन कसम खाई कि मैं एक दिन इतना बड़ा स्टार या सितारा बनूंगा कि मेरी माँ स्वर्ग से मुझे देखेगी। गाइस, हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा कामयाब हो, पर क्या हर बेटा शाहरुख खान की तरह सोचता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।